हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा मोहित ब्लॉग। और आज है क्या कहते हैं, हाथी पूजनी अष्टमी। तो आज है लक्ष्मी पूजा और हाथी की पूजा होती है। तो उसके लिए सारा सामान बन रहा है। देखो इधर ये पूरा श्रृंगार है हाथी को चढ़ाने के लिए लक्ष्मी माता को। और इधर मीठी पूरी सीख गई है घर के लिए, खाना भी बन गया है। तो बस अब मैं मिलूंगी आपको, पूजा करूंगी, तब पूरा तैयार वैयार होके एकदम। हेलो एवरीवन, तो हो चुकी हूँ मैं रेडी और चलो अभी पूजा करने जा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी लेट हो गई। मम्मी तैयार होकर मतलब वेट कर रही है ना। चलो मैं एकदम साड़ी वाड़ी पहन के, और रूम में देखो इतना अंधेरा होता है, फेस क्लियर भी नहीं दिखाई दे रहा। अभी फेस एकदम क्लियर दिखाई दिया होगा। चलो मंगलसूत्र और पहन लो। तो ये बैठे हमारे गजानन महाराज जी दो दो, और सिर्फ भगवान बैठे हैं, लक्ष्मी माता की मूर्ति। लक्ष्मी माता परी आगे से कट रही है बार बार। बना रहे तो भाभी ये ले रहे हो। अब सही है। जमा जमा तो नहीं पूरे गया जाएगा पति। श्री महालक्ष्मी व्रत कथा। एक समय महर्षि द्वापर व्यास जी हस्तिनापुर आए। उनका आगमन सुन समस्त राज्य कुल के कर्मचारी महाराज भीष्म सहित उनका सम्मान आदर कर राजमहल में महाराज को सुवर्ण के सिंहासन पर विराजमान कर अर्धय पाद आचमन में आचमन से उनका पूजन किया। व्यास जी के स्वास्थ्य चित्त होने पर राजरानी गंधारी ने महर्षि व्यास जी से हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महाराज, आप त्रिकालज्ञ तत्वदर्शी हैं, आपसे हमारी प्रार्थना है कि प्रीतियों को कोई ऐसा व्रत व सरल पूजन बताएं जिससे हमारी राज्य लक्ष्मी सुख पुत्र पौत्र परिवार सदा सुखी रहे। इतना सुनकर व्यास जी ने कहा कि हम ऐसे व्रत पूजन का उल्लेख कर रहे हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी स्थिर होकर सुख प्रदान करेंगी। वह श्री महालक्ष्मी व्रत है जिनका पूजन प्रति वर्ष अश्विन कुमार कृष्ण पक्ष की अष्टमी का किया जाता है। तब राजरानी गंधारी ने कहा, महात्मन, यह व्रत कैसे आरंभ होता है, किस विधान से पूजन होता है, यह विस्तार से बताने का कष्ट करें। तब महर्षि ने कहा कि यह व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन सुबह व्रत का मन से संकल्प कर किसी जलाशय में जाकर स्नान कर स्वच्छ कपड़ा पहने महालक्ष्मी जी को जल तर्पण देकर प्रणाम करना चाहिए। फिर घर आकर
बड़ा तैयार कर अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अश्विनी को व्रत रखकर मंडप बनाकर चंद्रोगा कर उसके नीचे माटी के हाथी पर महालक्ष्मी की मूर्ति स्थापित कर तेरह तरह 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 की पुष्प मालाओं से लक्ष्मी जी व हाथी का पूजन करके कई पकवान स्वादिष्ट पदार्थों का निवेद समर्पण करें और श्रद्धा सहित महालक्ष्मी का व्रत करने से आप राजलक्ष्मी समाप्त कर रही है ऐसा विधान बताकर व्यास जी अपने आश्रम को प्रदान प्रस्थान कर गए। इधर समयानुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से समस्त राजघरानों की रानियों ने व नगर की स्त्रियों ने महालक्ष्मी व्रत का दिन अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी आ गया। उस दिन प्रातः काल से नगर नारियों ने उत्सव मनाना आरंभ कर दिया और समस्त नर नारी राजमहल में गांधारी जी के यहाँ उपस्थित हो तरह तरह से महालक्ष्मी जी के मंडप और माटी के हाथी बनाने सजाने की बड़ी तैयारियां होने लगी। गांधारी जी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित नारियों को बुलाने को सेवक भेजे पर माता कुंती को नहीं बुलाया गया और न कोई सूचना भेजी। उत्साह तीन में ले ना तीन ले ना। अपन श्री माता मैया